हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को फेशियल के कुछ ज़रूरी स्टेप बताने जा रही हूँ। मैं फेशियल करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको ये रिव्यू करके दिखा दूँ। आज मैं लोटस का हर्बल रेडियंट डायमंड फेशियल किट से फेशियल करने वाली हूँ, जो ऑल स्किन टाइप है। ये सर्कुलर ग्लो लाता है। शादियों का सीज़न आ रहा था, इसे आप घर पर भी कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। स्टेप वन क्लिनज़र है, इसे जितनी ज़रूरत हो उतना लीजिए। मैंने थोड़ा सा लिया है। इसे अच्छी तरह से अपने हाथ पे लेकर फेस पे थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए। इसे निक्स मैंने लगाया है, आप भी निक्स लगाइए और धीरे धीरे मसाज कीजिए। साबुन या फेस वॉश से धोने के बाद भी हमारे फेस पे चिपचिपापन रह जाता है, जो कि क्लींजिंग करने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। क्लींजिंग को हम नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करेंगे, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होने देंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप हम लेंगे। क्लींजिंग को पूरी तरह से एब्जॉर्ब होने के बाद उसे गीले टॉवल से हल्के हाथों से अच्छी तरह से साफ कर लें। दूसरा स्टेप हमारा स्क्रब है। इसे 10 से 12 मिनट तक कर सकते हैं हम, लेकिन हम 8 मिनट करेंगे। इसमें बालू जैसे कण पाए जाते हैं, जो हमारी त्वचा को धीरे धीरे साफ करते हैं। इसे आँख से बचाकर करेंगे, ताकि आँखों के अंदर ना जा पाए। स्टेप 3 मेरा मसाज है। मैंने मसाज लिया है, आप क्रीम उतना ही लें जितना ज़रूरत हो। मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है भरकर, ताकि निखार अच्छा हो। इसे हाथ पर लेकर अपने फेस पे चारों तरफ लगा लीजिए, जैसा मैंने किया है। मसाज को भी हम नीक से ऊपर की तरफ धीरे धीरे मसाज करेंगे, आँखों के नीचे और फेस पे भी अच्छी तरह से, जैसे मैंने किया है आप भी वैसा ही करें। इसे उल्टे हाथों पर भी लगा लें, ताकि उलटकर हाथ से स्क्रबिंग टाइप का कर सके हम। बीच बीच में मैंने गुलाब जल लिया है और वाटर भी लिया है ठंडा। मसाज हम देर तक करेंगे, ताकि इसका निखार ज़्यादा आए। जितना देर तक हम करेंगे, उसका रिज़ल्ट भी ज़्यादा बेटर होगा। मसाज जब हम कर रहे होते हैं, तब हमारा हाथ नहीं चल रहा होता है, तो समझिए कि हमें थोड़ा सा वाटर लेना है। उस टाइम आप ठंडा वाटर या गुलाब जल ले सकती हैं। इसे भी गीले टॉवल से पानी निचोड़कर अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। चौथा स्टेप हमारा डायमंड फेशियल जेल है। जैसा कि नाम से ही पता है, डायमंड का इसमें जेल है। इसे मैंने ज़रा ज़्यादा लिया है, आप अपना देख लीजिएगा। इसे मसाज की तरह ही करेंगे, उतना ही टाइम देंगे। इसे कम से कम 5 से 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट तक करेंगे। जैसा मैंने किया है, ठीक वैसा ही आप भी कीजिए। गाइस, मैंने वीडियो को कुछ फास्ट कर दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो रहा था। बाहर से इसमें कुछ भी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि ये गीला होता है। इसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होने दें। एब्जॉर्ब होने के बाद गीले टॉवल से इसे भी साफ़ कर लें। स्टेप 5 हमारा डायमंड ट्रीटमेंट पैक आता है। ये थोड़ा सूखा हुआ था, इसलिए मैंने इसमें गुलाब जल मिलाया है। आपका गीला हो तो आप इसमें कुछ भी ना मिलाएं। इसे अच्छी तरह से हाथ पर मिला लें, मिक्स कर लें। जैसा मैंने लगाया है, उस जितना आपको चाहिए आप उतना नीचे से ऊपर की तरफ लगा लीजिए। इस पैक को नीचे से ऊपर की तरफ लगाइए, अच्छी तरह से कवर करना है। आप चाहें तो इसको आँखों पे भी ऊपर की तरफ लगा सकती हैं। ये अंदर जाने पर जलन नहीं पैदा करता है। गाइस, ये गीला होता है, इसे 10 से 15 मिनट तक रखें। अगर फिर भी ना सूखे तो इसे सूखने दें। स्क्रबिंग और मसाज से जो हमारे फेस
रगड़ खा चुके हैं, उसे रिलैक्स करने दें। आप जब भी फेशियल करने बैठें तो रिलैक्स फील करें और अपने फेस को भी रिलैक्स रखें। फाइनली हमारा ट्रीटमेंट फेशियल पैक सूख चुका है, अब इसे गीले टावल से पोंछकर ठंडे पानी से धो लेंगे। अब आप देख ही सकती हैं कि फेशियल के बाद हमारे चेहरे पर कितना निखार आया है।